चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, सबसे पहले दो हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड string.h। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे string.h हेडर फाइल को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया। ठीक है, उसके अंदर मैं तीन फील्ड ले रहा हूँ, इंट आई डी, कैर नेम और उसका साइज है 50। ये हमने एक एरे बनाया है जिसको हम लोग स्ट्रिंग भी बोलते हैं, फ्लोट सैलरी। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए स्ट्रक्चर के, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के हमने दो वेरिएबल्स यहीं पे बना लिए। हमको पता है यहाँ पे कि हम दो ही वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं, तो हम लोग ने यहीं पे इसको डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, E1 और E2, ये दोनों वेरिएबल्स किसके वेरिएबल्स हैं, एम्प्लॉय के हैं। ठीक है, एम्प्लॉय एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और उसी के हम लोग ने यहाँ पे E1 और E2 वेरिएबल्स क्रिएट किया। अब E1 के अंदर ये तीन फील्ड होंगे, E2 के अंदर भी ये तीन फील्ड होंगे, दोनों वेरिएबल्स हम लोग अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन में सबसे पहले यहाँ पे मैंने e1.id से इसको एक्सेस किया और उसके अंदर हमने 101 स्टोर कर दिया। देन उसके बाद स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का हमने यहाँ पे यूज किया है, e1.name और यहाँ पे हम लोग ने सोनू जसवाल करके कोई भी नाम हमने डाल दिया। ठीक है, e1.salary इक्वल टू 56,000, यहाँ पे हमने 56,000 यहाँ पे सैलरी दी। तो यहाँ पे एक फर्स्ट एम्प्लॉय का हमने डेटा डाल दिया। अब यहाँ पे e2 के लिए हम लोग लेते हैं e2.id इक्वल टू 102, स्ट्रिंग कॉपी e2.name और यहाँ पे हमने डाल दिया जेम्स बॉन्ड, और e2.salary से एक्सेस किया और यहाँ पे हमने डाल दिया 126,000। तो ये हमने सेकंड एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन ले लिया। वैसे ही हम लोग जितना भी चाहे यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते जाएंगे और हम लोग एम्प्लॉयज़ के इन्फॉर्मेशन स्टोर करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ एम्प्लॉय 1 ID %d स्लैश एन हम लोग यहाँ पे लगाए हैं e1.id। ठीक है, e1.id से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, E1 के अंदर ID है। ठीक है, E1 ID मतलब 101 यहाँ पे प्रिंट होगा। देन उसके बाद employee1name e1.name, ठीक है, क्या है, सोनू जायसवाल हमने इसमें कॉपी किया था तो सोनू जायसवाल प्रिंट होगा। देन उसके बाद employee1salary %f फ्लोट है यहाँ पे, तो हम लोग %f यहाँ पे लिखेंगे e1.salary, तो यहाँ पे 56,000 यहाँ पे प्रिंट होगा। तो ये फर्स्ट एम्प्लॉय का हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग सेकेंड एम्प्लॉय के लिए सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 101 सोनू जायसवाल 56,000 ठीक है, 102 जेम्स जॉन और 126,000 इतना, तो ये हम लोग को आउटपुट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके भी देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग, सेम प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। और मैं सबसे पहले फाइल में जाता हूँ, न्यू करता हूँ और दबाता हूँ F5। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। With field ID, name, salary. ठीक है, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेडर फाइल यहाँ पे ऐड करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद हैश इंक्लूड
कॉन आईओ डॉट एच, और एक और हम लोग हेडर फाइल लेते हैं स्ट्रिंग डॉट एच, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट ठीक है। तीन हेडर फाइल हम लोग यहाँ पे ले लिए। देन इसको क्या लिखूंगा मैं, void main ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं get ch। और सबसे पहले हम लोग इस मेन के बाहर में चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा struct employee ठीक है, struct employee, और इस टाइप का ब्रैकेट यहाँ पे लगाऊंगा और इसके अंदर मैं तीन फील्ड बनाऊंगा, int id, char name, name को हम लोग array टाइप ले रहे हैं, और इसको मैक्सिमम साइज हम लोग दे देते हैं 50, और हम लोग float salary हम लोग ने यहाँ पे फील्ड बना दिया। देन इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे दो वेरिएबल बनाते हैं e1 कॉमा ई टू और लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है एम्प्लॉय, और साथ में हम लोग उसके दो वेरिएबल भी यहाँ पे क्रिएट कर लिए। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रक्चर एम्प्लॉय ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, void main पे हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सेस करेंगे फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ई वन डॉट आई डी इक्वल टू, मैं देता हूँ 101 ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेम में वैल्यू असाइन करूँगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी यूज करेंगे strcpy, और इस टाइप का ब्रैकेट मैंने लगाया, और यहाँ पे सबसे पहले एक्सेस करूंगा e1 डॉट नेम ठीक है। e1 डॉट नेम में मैं क्या कॉपी कर दूंगा, मैं किसी का भी एक नेम कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे नेम हम लोग देख लेते हैं किसका नाम डालना है, यहाँ पे डाल देता हूँ आकाश ठीक है, आकाश कुमार यादव मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मैं e1 डॉट सैलरी को एक्सेस करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं 56,000 ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट एम्प्लॉय का, ये था एम्प्लॉय वन ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एम्प्लॉय के लिए कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय टू के लिए मैं डिटेल्स डालूंगा, कैसे डालूंगा, e2.102 id इक्वल टू 102 हम लोग दे दिए ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग cpy स्ट्रिंग कॉपी हम लोग करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, e2.name कॉमा देके मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डाल दूंगा वेदांत ठीक। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या दूंगा, e2.salary ठीक है, सॉरी यहाँ ब्रैकेट लग गया गलती से, सैलरी इक्वल टू हम लोग यहाँ पे दे देंगे, मैं डालता हूँ 45,000। तो यहाँ पे दो एम्प्लॉय के हम लोग ने डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं इसमें। अब हम लोग प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंटिंग एम्प्लॉय वन डेटा ठीक है। मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, जैसा नॉर्मल हम लोग प्रिंट करते हैं वैसे ही यहाँ पे प्रिंट करेंगे, बस यहाँ पे एक्सेस करने का तरीका अलग हो जाता है ठीक है। एम्प्लॉय वन आईडी ठीक है, यहाँ पे ऐसा देंगे और
इंटीजर है तो लिखेंगे परसेंट डी, मैं स्लैश एन दे रहा हूँ लास्ट में, और कॉमा देखिए इवन डॉट आई डी, ऐसा हम लोग दे देंगे। फिर उसके बाद प्रिंट एफ, एम्प्लॉय वन नेम ठीक है परसेंट एस ठीक है स्लैश एन, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे कॉमा देके इवन डॉट नेम ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिंट एफ सेकेंड एम्प्लॉय का सैलरी, सॉरी फर्स्ट एम्प्लॉय का सैलरी, हम लोग यहाँ देंगे एम्प्लॉय वन सैलरी परसेंट एफ, परसेंट एफ हम लोग लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्लोट लिए हैं, यहाँ स्लैश एन लगा लेंगे और कॉमा देके यहाँ पे लगाएंगे इवन डॉट सैलरी। ये हम लोग फर्स्ट एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट कर लिया। अब सेम मैं सेकंड एम्प्लॉय के लिए लेता हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं समय यहाँ पे बचा लेंगे। कॉपी मैंने कर दिया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और जहाँ जहाँ वन था वहाँ वहाँ हम लोग टू कर देंगे ठीक है। एम्प्लॉय तो इवन जगह ई टू आ जाएगा, यहाँ पे भी ई टू आ जाएगा, यहाँ पे भी ई टू आ जाएगा और यहाँ पे भी हम लोग टू कर लेते हैं टू। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या किया है यहाँ पे, कहीं कहीं एम्प्लॉय की स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हम लोग सुधार लेते हैं। ओके तो हमने इस प्रोग्राम में क्या किया, सबसे पहले स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, उसके अंदर तीन हम लोग मेंबर ले लिए, आईडी नेम और सैलरी ठीक है, और दो वेरिएबल्स हमने इसके क्रिएट कर लिए ठीक है। दोनों वेरिएबल्स के थ्रू हम लोग डॉट ऑपरेटर लगा के हम लोग एक्सेस किए और उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर कर दिए, इवन डॉट आईडी उसमें डाल दी 101 और फिर उसके बाद इवन डॉट नेम इसमें डाल दिए आकाश कुमार यादव ठीक है, सैलरी में हम लोग डाल दिए 56,000। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या किए, सेम वैसे एम्प्लॉय टू के लिए भी हम लोग डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर लिए, ई टू डॉट आई डी, ई टू डॉट नेम, ई टू डॉट सैलरी, हम लोग ने दोनों में वैल्यूज को स्टोर कर दिए। उसके बाद हमने क्या किया, इसको प्रिंट किया ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले इसको कर लेते हैं सेव, फाइल में जाता हूँ मैं, सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा एम्प्लॉय डॉट सी ठीक है, मैंने एम्प्लॉय डॉट सी नाम से इसको बना लिया। अब मैं इसको सबसे पहले करता हूँ कंपाइल ठीक है, कोई भी एरर नहीं आया, फिर इसको कर देते हैं रन ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आउटपुट हमारा दिख रहा है एम्प्लॉय वन आई डी 101, एम्प्लॉय वन नेम आकाश कुमार यादव, एम्प्लॉय वन सैलरी 56,000 और उसके बाद 6 decimal places में हम लोग को वैल्यूज मिल रही है क्योंकि हम लोग ने फ्लोट डेटा टाइप वहाँ पे लिया है। एम्प्लॉय टू आई डी 102, एम्प्लॉय टू नेम वेदांत साहू, एम्प्लॉय टू सैलरी 45,000 और विथ 6 decimal places में हम वैल्यू हमको मिल रही है। तो इस प्रकार से हम लोग एक स्ट्रक्चर का प्रोग्राम यहाँ पे बनाए और हम लोग आउटपुट डिस्प्ले किए।